केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों, गृह मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और आयुक्त सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विक्रमजीत सिंह के अलावा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रभारी सहित गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने एक्सेलसियर को बताया कि बैठक में कथित तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश प्रोत्साहन के तहत निवेश की सीमा बढ़ाने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में पहले ही बहुत सारे निवेश किए जा चुके हैं और प्रस्ताव आने वाले हैं। सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश से जम्मू कश्मीर को बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा मुख्य रूप से बुलाई गई शीर्ष समिति की बैठक में NCSS के तहत औद्योगिक इकाइयां द्वारा चरण दर चरण निवेश की अनुमति देने पर चर्चा की गई। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बैठक पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। जम्मू और कश्मीर सरकार अधिकारियों के अनुसार पूंजीगत ब्याज छूट और उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र भी चर्चा के लिए आए और कथित तौर पर उनके संबंध में निर्णय लिए गए। चर्चा के लिए एक अन्य प्रमुख मुद्दा माल जुलाई विलंब शुल्क और करों और कर्तव्यों के समावेशन वहिष्करण के बारे में स्पष्टीकरण था। उन्होंने कहा कि बैठक में NCSS 2021 के तहत इकाइयों के लिए पंजीकरण शक्तियों और खंड 73 में छूट पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर में औद्योगिक निवेश को और बढ़ावा देने के लिए कई चरणों पर चर्चा की गई और कुछ निर्णय लिए गए। नई औद्योगिक विकास योजना शुरू होने के बाद जम्मू कश्मीर को पहले ही 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अप्रैल में यहां एक रैली में 38,080 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश प्रस्तावों का भूमि पूजन किया था। अधिकारियों ने कहा कि विदेश सहित अधिक निवेश लाने के कदमों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश से जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर आने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि लंबित प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में निजी निवेश और बढ़ेगा। निजी औद्योगिक संपदा के विकास के लिए भी कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जबकि कई अन्य पाइपलाइन में है। अधिकारियों ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए निजी भूमि बैंक विकसित करने की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में निजी औद्योगिक संपदा के विकास के लिए दिशा निर्देश तय किए हैं, जिसके तहत वे निवेश के आधार पर पूंजीगत अवसंरचना सब्सिडी के हकदार होंगे।